दोस्तों रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों का दिमाग हिलाकर रख दे रहे हैं। एक तरफ जहां अनुपमा और अनुज मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी ओर माया और वनराज का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते दिन भी रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में हमें देखने को मिला कि अनुपमा और अनुज एक साथ वक्त बिताते हैं, वहीं उन्हें घर में न पाकर वनराज और माया पागलों की तरह झगड़ा करते हैं। हालांकि रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। दोस्तों रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में हमें देखने को मिलेगा कि वनराज और माया तरह लड़ते हैं और वह अनुज अनुपमा का इंतजार करते हैं। तभी अनुज और अनुपमा एक दूजे का हाथ थामकर सा हाउस में कदम रखते हैं, जिसे देखकर चारों तले जमीन खिसक जाती है। जहां वनराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, तो वहीं माया पर पागलपन सवार हो जाता है। अनुपमा में जल्द ही देखने को मिलेगा कि अनुपमा और अनुज को साथ देख वनराज सवाल खड़ा करेगा। वह अनुज से पूछेगा कि रात भर तुम लोग फोन नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे तो हम परेशान नहीं होंगे क्या? वही दूसरी ओर माया का पागलपन हद पार करेगा, वह सबके सामने मेरा अनुज की रट लगाएगी। इतना ही नहीं, वह अनुज से पूछेगी कि तुम्हारे बीच में आखिर चल क्या रहा है, तुम मेरे अनुज को हासिल करना चाहती हो। दोनों की बात पर अनुपमा भड़क जाती है। दोस्तों वही वनराज और माया की हरकतें देखकर अनुपमा का पारा भी चढ़ जाता है। वह सबसे पूछती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक क्या सौ रातें भी बाहर रहे तो तुम लोगों का क्या, हमारे बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो। अनुपमा माया से भी कहती है कि तुमने अनुज से प्यार तो कर लिया, लेकिन यह नहीं जान पाए कि प्यार करवाया नहीं जाता, किया जाता है। दोस्तों वही अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं पर खत्म नहीं होता है। शो में हमें देखने को मिलेगा कि माया अनुज से अनुपमा को तलाक देने के लिए कहेगी। इस पर अनुज भड़क जाएगा और कहेगा कि अनुज अपनी जान दे सकता है लेकिन तलाक नहीं देगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए द टॉलीवुड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।